सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की आज शाम 7 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है। भाइयों बहनों, वीडियो को फिर कह रहा हूं कि पूरा ज़रूर देख लेना, क्योंकि बहुत से राज्यों से जानकारियां आज इसमें देखने को मिलेंगी। तो प्लीज़ छोड़ करके मत जाना, क्योंकि बहुत सी बहनें हैं जो पूरा वीडियो नहीं देखती हैं, उनको बहुत सी जानकारियां फिर नहीं मिल पाती, फिर वो बार बार मैसेज करके पूछती रहती हैं, जिस वजह से फिर वो चीज़ें उनको बता पाना संभव नहीं हो पाता है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। प्रमिला जी हैं और उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से आती हैं। वाराणसी में आपको बता दें कि कल 2 तारीख को बहन ने कहा है कि मेरे यहाँ 1000 रुपये आए हैं, निफ्ट के थ्रू आए हैं, यानी ये जो पैसे हैं वो बीएलओ टाइप से पैसे देखने को मिले हैं। और यूपी के कई जनपदों में आपने देखा है कि कल 2 तारीख में, परसों 1 तारीख में जो भी पैसे आए हैं वो बीएलओ के रूप में आए हैं। अब विभागीय अधिकारी मानदेय पर भी थोड़ा ध्यान दें, निदेशालय में बैठे अधिकारी ध्यान दें, जनपद के अधिकारी ध्यान दें। आप देखिए मध्य प्रदेश के वहाँ के अधिकारियों को, वो बहनों का मानदेय समय पर लगा देते हैं, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में 10-15 दिन बीत जाने के बाद कहीं पैसा लग पाता है। तो कृपया प्रशासनिक स्तर पर इस मामले में सुधार किया जाए और मानदेय मध्य प्रदेश राज्य की तर्ज पर समय पर लगा दिया जाए। अलका जी हैं जो उन्नाव से आती हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा उन्नाव जनपद की। उन्नाव जनपद से उन्होंने मैसेज किया है कि भैया जी गुड आफ्टरनून। दरअसल दोपहर में उन्होंने ये मैसेज किया था। उन्होंने लिखा कि विभागीय फ़ोन में कल कई ऐप्स आए हैं, जिसमें कि कौन कौन से हैं जरा सुनिएगा। कैलेंडर आया है, क्लॉक यानी घड़ी आई है, गूगल इंस्टाग्राम भी आ गया, गैलेक्सी स्टोर भी आ गया, फेसबुक आ गया, जीमेल आ गया, इंटरनेट के नाम से एक जो है ऐप आ गया, ट्रू कॉलर आ गया, वन ड्राइव का भी आ गया, रेडियो आ गया, यूट्यूब भी आ गया। इस तरह से ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हैं। जिला उन्नाव है और परियोजना नवाबगंज पड़ती है। तो आप सभी जगह की बहनें जो जनपदों की हैं उत्तर प्रदेश में, आपको सुबह या दोपहर के सॉरी वीडियो में शायद मैंने बताया होगा, यानी आज ही बताया है, जिसमें मैंने कहा भी था कि जो नए मोबाइल फ़ोन जो मिले थे बहनों को, नए नहीं है अब, क्योंकि वो पुराने हो चुके हैं, तो नया कहना उचित नहीं है। जो भी यानी मोबाइल फ़ोन है आप सब बहनों के, जिनमें अभी तक कुछ भी नहीं चल रहा था, उन फ़ोनों में अब ये सब ऐप्स वगैरह आ चुके हैं। लेकिन समस्या यही है कि ऐप्स तो आ चुके हैं, क्या फ़ोन उतना सब कुछ हैंडल कर पाएगा, ये देखना एक जो है बड़ी बात है, क्योंकि समय काफ़ी बीत चुका है मोबाइल फ़ोन मिले हुए। अगर किसी बहन को जानकारी हो कि कौन से सन में मोबाइल फ़ोन जो है ये मिले थे, तो कृपया कमेंट करके बता देना, यानी कौन से सन में मिले थे, कितने साल हो चुके हैं मोबाइल फ़ोन लिए, इस तरह से जानकारी को आप बता सकती हैं, और कौन सी सरकार थी जब ये मोबाइल फ़ोन मिले थे। तो इस तरह से किसी को जानकारी हो तो कमेंट में कर देना। एक भाई थे जिनका कहना था कि 2015-16 में मोबाइल मिले थे, जिसलिए मैं थोड़ा डेटा जुटाना चाहता हूं कि किसी को पता हो तो अपनी जानकारियों को साझा कर सकते हैं। शायद मुझे लगता है कि 2015-16 में नहीं मिले हों, उसके बाद में शायद मिले हों। आप चूंकि यहां पर उनका कहना था ऐसा, इसीलिए मैं आप सबसे पूछ रहा हूं। इधर बात करें, हम आगे चलते हैं और भी जानकारियों की जो जरूरी है। इधर बात कर लेते हैं, यहां पर लिखा है माया खरे बहन है, दमोह जिले से आती हैं। उन्होंने कहा भाई साहब हमारे यहाँ के जो पैसे हैं मध्य प्रदेश में वो मिलते हैं, मातृ वंदना योजना के पैसे हैं जो हम लोग फॉर्म फिल करते हैं उसको लेकर के। सही कहा था आपने कि उत्तर प्रदेश का ये नहीं है, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी जबेरा ब्लॉक जिला दमोह वहाँ से, यानी उन्होंने कहा कि ये चीज़ें उनके वहाँ की हैं। तो आज दोपहर में मैंने एक आपको आर्टिकल दिखाया था प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से रिलेटेड, एक बहन ने भेजा था जिसमें आंगनबाड़ी बहनों को क्या मेहनताना मिलेगा उसके बारे में डिस्क्राइब था। लेकिन मैंने उसको पढ़ा था और पढ़ते ही मुझे आभास हुआ था कि ये कहीं ना कहीं शायद उत्तर प्रदेश का ना हो, क्योंकि उन्होंने पूरा लेटर नहीं भेजा था, उस पर छोटी सी एक कटिंग थी और उनके पास भी शायद इतना ही हो इसलिए उन्होंने भेजा। तो उसी पर चर्चा हो गई थी, मैंने कहा था कि ये हो सकता है कि MP का हो, क्योंकि MP जैसा मुझे कुछ अनुमान था कि वहीं शायद ऐसा कुछ था और वहां का मैंने लेटर पढ़ा था, और बहन ने वही कहा है कि ये जी हाँ वो मेरे ही यहाँ का जो है लेटर था और मेरे यहाँ ही इतना इतना पैसा ये मिलता है। क्योंकि कुछ चीज़ें जो है एक मोटे तौर पर संभावनाएं जैसी या दिमाग में थोड़ा थोड़ा याद रह जाता है, पूर्णतया चीज़ें
सत्य के आधार पर कह दें कि यही है यही है, तो फिर वो चीजें उतनी नहीं हो पाती हैं। वो आदेश सामने होता है तो चीजें और याद आ जाती हैं। टाइम भी फिर बीत चुका था उस मामले को प्रसारित किए हुए। तो यहां पर मातृवंदना योजना को लेकर उत्तर प्रदेश में मैं कहना चाहूंगा क्या मिलेगा, अगर उत्तर प्रदेश में विभाग से कोई आदेश आया हो उसमें कहीं पर लिखा हो तो कोई भी भाई बहन ऑल इंडिया को प्रसारण के लिए चीजों को भेजें तो पूरा भेज दें ताकि पता चल जाए। बाकी वो तो कटिंग मुझे आभास था कि मध्य प्रदेश की है और मैंने उस चीज को बोला भी और बहन ने भी उस पर कह दिया कि जी हाँ वो एमपी का ही है, हमारे यहाँ ही इतना मिलता है। अब इधर बात करें, यहाँ पर ये भाई हैं, इनका समस्या था कि गोंडा जिला जो है यहाँ पर हमीरपुर यूपी से, मेरे यहाँ जून 2024 का मानदेय नहीं आया है। सीडीपीओ से जो है पता करने पर कहा गया है कि मोबाइल नंबर और जो है आधार नंबर वो दोनों जो है सत्यापित हुए हैं, इसीलिए मानदेय नहीं आया, अगले महीने आएगा, जबकि सभी बहनों का आया है। अब देखो दो कारण हो सकते हैं, सभी बहनों का आया है या तो उन बहनों का मोबाइल सत्यापन आधार सत्यापन नहीं हुआ होगा, नहीं हुए का मतलब कुछ गलत नहीं होगा उनका, इसीलिए उनका यानी संशोधन टाइप से ना हुआ हो तो शायद आ गया हो सकता है, ये आप ही जान सकते हैं क्योंकि आपने इस बारे में बताया नहीं कि आपके मोबाइल में या आपके आधार को लेकर के क्या वहां पर कोई संशोधन किया गया था, यानी पीएफएमएस पर अगर किया गया कुछ भी सत्यापित तो क्या वहां कुछ बदलाव किया गया है, तो अगर वो किया गया है तो हो सकता है ऐसा कारण हो। या फिर जो तीसरा एक समझ में आता है कि इसी जो है सिनेरियो वो ये कहता है कि हो सकता है उन्होंने बस ऐसे ही कह दिया हो फ्लो में कि ये हुआ वो हुआ तभी रुक गया, ताकि आप सब्र करके एक महीना और बैठे रहें, अगले महीने शायद आ जाए अपने मन से, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ऐसा कुछ है, अगर आपका कुछ भी बदला नहीं गया था, सब कुछ सही था, सबकी तरह ही आपका भी वहां पर बस सेम टू सेम हुआ और बाकी का आ गया आपका नहीं आया, तो आप इस मामले में सीडीपीओ से नहीं सीधा डीपीओ से संपर्क कर लें। मैंने बहुत केसों में बार बार सभी भाई बहनों से यही कहा है कि सीडीपीओ की बजाय अगर आप डीपीओ से अपनी समस्या के संबंध में बात करेंगे तो वो ज़्यादा कारगर रहेगा। रीज़न है कि ज़रूरी नहीं है कि सीडीपीओ को वो चीज़ें पता हों, और पता भी नहीं है तो फिर आपकी समस्या को लेकर वो ऊपर जिले पर डीपीओ से बात करें ये भी जरूरी नहीं है, आपको वो अपने हिसाब से भी चीज़ों को बता देंगे, क्योंकि किसी इंसान से कुछ पूछोगे तो वो पहले कोशिश यही करता है कि मैं कुछ ना कुछ उसको अपने पास से बता दूं, तो इसीलिए शायद उन्होंने वो चीज़ों को आपको कहा हो। अब जो भी संभावनाएं रही वो मैंने तीन तरह से संभावनाओं को व्यक्त किया है, आप अपने सिनेरियो के हिसाब से चीज़ों को देख सकते हैं कि क्या आपके वहां बदलाव हुए, क्या बाकी के बहनों के भी कुछ बदलाव हुए थे, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। वहीं आप डीपीओ महोदय से संपर्क कर लें तो ज्यादा सुझाव हमारा ये अच्छा रहेगा। अनीता जी हैं राजस्थान से और उन्होंने अपने राजस्थान से भी एक जानकारी प्रसारण के लिए भेजी है। मैं देख रहा हूं कि राजस्थान के उत्तर प्रदेश के जो लेटर हैं वो काफी सेम आ रहे हैं, यानी यहां पर ये लेटर जो है ये पोषण ट्रैकर ऐप पर गर्भवती महिलाओं के वजन और उनकी लंबाई वगैरह और प्रसव पूर्व जांच उनसे संबंधित विवरण को दर्ज करने के बारे में है। हाल ही में आपने देखा था, मैंने बताया था कि किस तरीके से जो गर्भवती महिलाएं हैं और उनका वजन लंबाई लिया जाएगा, पोषण ट्रैकर पर इस बार फीड किया जाएगा। एक ऐसे ही मैंने लेटर आपको उत्तर प्रदेश के किसी जनपद में दिखाया था। अब देखिए राजस्थान में भी वही चीजें मुझे देखने को मिल रही हैं कि उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि पोषण ट्रैकर ऐप पर यहां पर गर्भावस्था के दौरान वजन वृद्धि और प्रसव पूर्व जांच, इन विवरणों का नया फीचर को जो है जोड़ा गया है। तो इस दौरान वजन वृद्धि की ट्रैकिंग के माध्यम से हम माँ और जो शिशु है जो गर्भावस्था के दौरान का उसके विकास का आंकलन कर सकते हैं, जिससे कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की चेतावनी भी पूर्व में मिल सकती है। साथ ही यहाँ पर पर्याप्त वजन वृद्धि जो होती है कि कौन से माह में कितना वृद्धि जो है कंटिन्यू हो कैसे, तो उस पर भी फोकस हो सकता है, जिससे स्वास्थ्य के लिए ये चीज़ें आवश्यक हैं जानना। या जन्म के समय शिशु के वजन का भी एक महत्वपूर्ण निर्धारक है, क्योंकि पहले से जब ट्रैकिंग होगी वजन होगा तो पता चलेगा कि कितना वेट बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, उसी हिसाब से स्वस्थ बच्चे का जन्म होगा। इस संबंध में निर्देश भी कुछ दिए गए थे, जैसे बात कर लें कि सुनिश्चित हो कि सभी गर्भवती महिलाओं की नियमित रूप से समय समय पर कम से कम 4 ANC पूर्ण जाँच हो जानी चाहिए। ANC जाँच के दौरान वजन मापन, वजन वृद्धि, इनके महत्व पर परामर्श भी दिया जाना चाहिए और पोषण ट्रैकर ऐप पर गर्भवती महिलाओं के वजन और ANC से संबंधित सूचनाओं की प्रविष्टियां नियमित रूप से भी करवाना सुनिश्चित करें। तो यहां पर ये चीजें लिख दी गई थी। बाकी OP बुनकर जी निदेशक हैं
समेकित बाल विकास सेवाएं राजस्थान जयपुर, जहां से एक लेटर उन्होंने जारी किया। उपनिदेशक को, बाल विकास प्रदनाधिकारी को, समस्त जनपदों में पूरे राजस्थान में उन्होंने ये भेजा है, जो आपने जानकारी देखी। अब इसी मामले में देखिए, पोषण ट्रैकर पर जैसा कि उन्होंने कहा, नया मॉड्यूल टाइप से जोड़ा गया है, तो ये सूचनाओं को भरोगे तो कुछ पता चल जाएगा। तो आइए इनको देखते हैं कैसे क्या सब कुछ है। तो देखो, ये रहा पहला, पहले में क्या लिखा कि आपका पोषण ट्रैकर सिंपली जब लॉगिन करते हो तो ऐसे आता है। आपने मान लो लॉगिन कर लिया, अपना जो मोबाइल नंबर है और अपना पिन वो डालेंगी, आप लॉगिन कर लेंगी राजस्थान की बहनों। साथ ही ये यूपी में शायद टाइम लग जाए, या हो सकता है आपके वहां पर भी चीजें हो गई हो, तो आप भी चाहो तो पोषण ट्रैकर में चेक कर सकते हैं। लाभार्थी की अगर हम बात करें, फिर लाभार्थी वाले पोर्शन में आप जाएं, लाभार्थी विवरण का चुनाव करें, फिर लाभार्थी में आओगे तो गर्भवती महिलाओं के विवरण को लेकर के ऑप्शन आपको मॉड्यूल सबसे पहले मिल जाएगा। उसके बाद यहां पर फिर क्या होता है, उसमें मान लीजिएगा आप जब गर्भवती महिलाओं का पूरा लिस्ट खोल लेते हैं, तो मान लीजिएगा कोई एक ये है आरती बंसल जी, ठीक। अब यहां पर इनका सब कुछ सत्यापित है, ये देखो सत्यापित तो है, उस बारे में कोई चीजें ध्यान नहीं देनी है, ठीक। आपको जो मेन मुद्दा उस पर ध्यान देना है, तो तीन बिंदुओं पर क्लिक करना है। जहां पर सत्यापित लिखा होता है वहीं पर थ्री डॉट बने होते, जैसे इसमें तो एरो बना हुआ, इस वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा। आप इन सब में तीन डॉट को आसानी से पहचान सकती हैं, मैं सर्किल में इनको कर रहा हूं। आप देखिए ये तीन तीन डॉट यहां पर दिखाई दे रहे हैं, अब आसानी से इन्हीं जब थ्री डॉट में जब आप आती हैं तो उसमें ये ऑप्शन खुल जाया करते हैं किसी भी लाभार्थी का हो। जैसे आप वैक्सीनेशन टीकाकरण यानी जब फीड करती हैं तब भी आप इन्हीं थ्री डॉट पर आती हैं, फिर ऐसे खुलता है। अब इसमें देखिएगा यहां पर ये सारे ऑप्शनों में एक ऑप्शन आपको क्या मिलेगा जो बढ़ा दिया गया, वो ये वाला है, गर्भकालीन वजन में वृद्धि और जो है ANC विवरण, ठीक। ये आपको मिल जाएगा गर्भवती महिलाओं के, जब आप कैटेगरी में जाएंगी मॉड्यूल में, उसमें उनको सेलेक्ट करेंगी थ्री डॉट में, किसी भी गर्भवती महिला को लेकर के जिनका वजन वगैरह जो भी भरना है करना है, तो उसके थ्री डॉट में आकर ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अब इसको फिर जब आप इस पर टच करेंगी तो फिर कुछ इस तरीके से खुलेगा, जैसे यहां पर ANC फर्स्ट ऐसे लिखा होगा, यहां पर कुछ डेटे होंगी, विवरण जोड़े ऐसा लिखा होगा, ANC सेकेंड, ANC 3, फिर ANC 4, ये सब चीजें होंगी और इनकी डेटे भी होंगी। जैसे ये हो गई 28 मार्च, फिर 11 जो है यहां पर अप्रैल, फिर 18 जुलाई, फिर देखो 12 सितंबर, ऐसे कोई ना कोई डेटे होंगी, यानी वो सबकी अलग अलग होंगी, डेटों से कोई मतलब नहीं है। मैं बस उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि इस तरह से वहां पर ये सब लिखा होगा कि कब क्या होना है। इसके अलावा यहां पर फिर आगे ले चलते हैं, कुछ चीजें आपको बताते हैं। जैसे बात कर ले अगर हम ANC फर्स्ट की, इसको कैसे जोड़ेंगे, तो ANC फर्स्ट के सामने विवरण जोड़े लिखा होगा जो कि पहला है, इसी को जोड़ना होगा अगर, तो उसके सामने जब इस पर आप टच करेंगी तो ऐसे यहां पर पेज आपका खुलेगा, जिसमें यहां पर लिखा होगा ये, इसमें आप जो है हाइट वगैरह भर सकती हैं, यहां पर देखो लिखा है कितनी है उनकी और उनका वेट कितना है, फिर इसमें ये वेट भर गया, फिर इसमें उनको उनकी जो हीमोग्लोबिन की मात्रा यहाँ पर भरी है वो कितनी है वो भर देंगी, फिर यहाँ पर इस तरह से डेट वगैरह जो है वो यहाँ पर एक शो होगी। अब ऐसे करके यहाँ पर यानी कौन सी डेट में क्या आपने किया वजन वगैरह या हीमोग्लोबिन चेक किया या फिर जो उनकी हाइट चेक करके जो भरी गई, तो यहाँ पर फिर सबमिट कर देंगे। इससे होगा क्या कि पहली बार जैसे कि ANC फर्स्ट में जैसे आपने कोई गर्भवती महिला का चेकअप किया, अब उनका कितना वजन है और कितना उनका हीमोग्लोबिन था, कितना उनका जो है, लंबाई के हिसाब से सापेक्ष वजन होना चाहिए, और ऐसे में फिर उनका अगले महीने जब जितने महीने बीतते जाएंगे गर्भावस्था काल के, तो उसमें एक रेशियो रहता है कि कौन से महीने में कितना वेट बढ़ेगा, तो उसी हिसाब से वेट बढ़ना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। अगर ज्यादा है तब भी दिक्कत है, कम है तो भी दिक्कत है, तो ऐसे में इसको फॉलो फिर वो कर पाएंगे। दोबारा महीना आएगा, दोबारा चेकअप होगा उनका, फिर से आप जब फिर यहां पर दूसरे में भरेंगी ANC सेकेंड में फिर आप भरेंगी, तो उसमें दर्ज करेंगी, इससे पता चलता रहेगा कि कैसा क्या इनका जो है वहां पर प्रोग्रेस हो रहा है इन मामलों में। इधर यहां पर देखिएगा, ऐसे जब होगा तो भर जाएगा, ANC का विवरण जल्दी लाभार्थी प्रोफाइल में दिखाई देगा, इस तरह से आ जाएगा सफलतापूर्वक जब आप सबमिट कर देंगे, और यहां पर फिर आपको ऑप्शन मिल जाएगा वापस जाए का, ठीक। जब सफलतापूर्वक जोड़ा गया, ये भी यहां पर बड़ा बड़ा लिखा मिल जाएगा, फिर क्या होगा, ऐसे ये हो गया, ठीक। वापस जाएं वाले पर जब आप क्लिक कर लेंगे तो आप वापस आ जाएंगी, यानी इस वाले पर। पहले वाला जब भर जाएगा तो पहले वाला देखो कुछ इस तरीके से शो करने लगेगा, यहां पर पहले में देखो नहीं कर रहा था, हाइट वेट कितना था ANC फर्स्ट में, देखो कहीं शो कर रहा था नहीं, पहले कर रहा था, जब भर लिया आपने फिर आपका ऐसे शो करेगा। दूसरी बार जब भरेंगी देखो यहां पर
जब दूसरी बार भरेंगी तो इसमें दर्ज करेंगी, फिर यहां पर ऐड डिटेल्स का इसमें ऑप्शन आ जाएगा, पहले वाले के सामने वाला विवरण दर्ज करें या ऐड डिटेल्स वो गायब हो जाएगा, फिर सेकंड में आ जाएगा। तो दूसरी बार जब भरना होगा तो इसमें भरना होगा, और उसको जब भर लेंगी तो उसमें भी ऐसे शो करेगा। फिर ऐसे देखो यहां पर ये, फिर ऐड डिटेल्स जब दूसरी बार भरेंगी तो ऐसे भरेंगी, यहां पर ये सब आ गया, ये इनका एक चार्ट भी खुल जाएगा ठीक कि कैसे क्या होता है, तो एक वृद्धि चार्ट भी होगा इस मामले को लेकर के, वो भी आप वहां पर देख पाएंगी, और ऐसे करके सब में आप भरती जाएंगी। फिर इनका जो वृद्धि चार्ट है वो कुछ इस तरह से इनका दिखाई देगा, एक एक यानी हर गर्भवती महिला का इस तरह से यहां पर दिखाई देगा, जिसमें जो है वेट गेन कितना हुआ वो यहां पर एक रेशियो भी बनकर के आ जाएगा कि टोटल कितना उन्होंने वेट गेन किया है जो है टाइम पीरियड में। तो ऐसे में यहां पर ये सब चीजें दिख जाएंगी, तो ये एक अच्छा जो है जानकारी और जो है एक बेहतर कह सकते हैं कि बदलाव पोस्टल ट्रैकर पर हुआ है। हाँ, इसमें कामों में शायद थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आएंगी बहनों, क्योंकि धीरे धीरे करके कामों के बोझ बढ़ रहे हैं, लेकिन बेटर हो अगर जो है यहाँ पर इन चीज़ों में थोड़ी जानकारी आप जुटा लें, क्योंकि देखो विभाग काम तो आपसे ले ही लेगा, खुशी से आप करेंगी तब भी, दुख होकर के करेंगी तब भी, और अगर कुछ सीखने लायक चीज़ें हैं तो उनको आप सीखने में अपने मन को जो है वो ना करें, यानी डीमोटिवेट टाइप से ना करें कि हम क्यों करें, हम ऐसा नहीं करें वैसा ना करें। एक बार आप भले ही ना करें ना देखें, लेकिन कल को जब परेशानी होगी, विभाग ज़्यादा जो है परेशान करेगा तो फिर आप परेशान होगी, ऐसे अच्छा सीख लिया हो तो आप कैसे करें, फिर इधर उधर बहनों के चक्कर काटेंगी। इससे बेटर है कि टाइम पर जो आ रहा है उसको सीखते भी जाओ, और साथ ही अपने हक की जो मांग है वो तो गवर्नमेंट से हम करते ही हैं और उसको भी करते जाओ, जो प्रयास है अपने हक के वो भी करते जाओ, बाकी सीखना बुरी बात नहीं है, क्योंकि नौकरी कर रहे हैं हम लोग। अब ऐसा तो नहीं है कि अब जो है कोई किसी दूसरे के मर्जी से हम लोग कर रहे हैं, अपनी मर्जी से जॉब कर रहे हैं ना, तो ऐसे में काम वो लेंगे तो हमें करना पड़ेगा, तो यही सब चीजें देखने को फिर मिलती हैं। आगे देखिए संगीता बहन है जो कि आती हैं जालौन से, उन्होंने एक लेटर भेजा था, यहां पर प्रभारी जो चिकित्सा अधिकारी हैं उन्होंने सीडीपीओ लोगों को जो कि जालौन के विकास खंड जो कोच और पिंडारी है वहां के लिए भेजा है, और खास बात यह है कि ये लेटर को देखकर मुझे हंसी आ रही है। रीजन उसका यह है कि इसमें जो डेट डाली है विभाग ने अधिकारियों ने वो गलत डाली है। बताइए 5 अगस्त 2024 उन्होंने डेट डाली है, जबकि आज 3 अगस्त ही तारीख है, यानी अभी 2 दिन वो आए भी नहीं है, फ्यूचर का लेटर यहां पर मेरे सामने आ गया। हद हो गई, आज 3 तारीख थी तो 3 तारीख विभाग को डाल लेनी थी, लेकिन यहां पर पता नहीं क्या ऐसी वजह रही कि 5 अगस्त उन्होंने तारीख डाल दी। अब शायद वो 2 दिन पहले ही लेटर टाइप कर लिए हैं, क्या वो 5 तारीख को ही लेटर इसको निकालेंगे, लेकिन लेटर तो इधर उधर खूब टहल रहा है। तो यहां पर डेट डालना था 3 लेकिन उन्होंने 5 डाल दी, हो सकता है उनको डेट के बारे में पता ना हो और वो उन्होंने ध्यान ना दिया हो, गलत डेट उन्होंने डाल रखी है। अब गलत है तो है। इधर बात करते हैं, इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस यानी NDD एवं मापअप सप्ताह, जिसके लिए ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण और यानी अभिमुखीकरण के संबंध में एक ये लेटर पूरा जारी है, इसमें बातें जो कही गई उसको ध्यान दीजिएगा। दिनांक 10 अगस्त से राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का भी आयोजन हो रहा है, आप सबको पता भी है, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकृत समस्त बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जानी है, और जो छूट जाएंगे उनको फिर 14 अगस्त को खिलाई जाएगी, 14 अगस्त को फिर मापअप दिवस किया जाएगा। तो यही चीजें हैं जिसके क्रम में 5 अगस्त को आंगनबाड़ी केंद्र की समस्त आंगनबाड़ी को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। तो 5 तारीख को क्या होगा, इसी संबंध में आंगनबाड़ी बहनों को वहां पर कोच पिंडारी में प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखें 5 अगस्त को आपके वहां प्रशिक्षण है एल्बेंडाजोल से रिलेटेड वाली चीजों को लेकर के विभाग के साथ। अब ऐसे में जो मेन था वो बता दिया, बाकी ये जो डेट है जारी करने की वो यहां पर विभाग ने गलत डाल रखी है, आज 3 अगस्त है और लेटर में 5 अगस्त डाल दी गई, जो कि अभी 5 अगस्त आया ही नहीं है। नंदन जी है मिर्जापुर से आते हैं, उन्होंने अपने वहां से भी एक मैटर भेजा था कि आंगनबाड़ी केंद्र में हैंड पंप में करंट उतरा जिससे बच्चे की डेथ हो गई, तो एक ये मैटर सामने आया है, पता नहीं ये हाल ही का है या क्या है, बहन ने ये लिख करके नहीं भेजा कि कब उनके वहां पर ये आया। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले भी एक बार इसी ऐसी एक घटना सामने मेरे संज्ञान में आई थी, हो सकता है सेम समस्या हो यानी सेम घटना फिर घटित हो गई हो, तो ये दूसरी जगह का मैटर हो, सेम टू सेम देखने को मिल रहा है, जिसमें अलीगढ़ का मामला है, प्राथमिक विद्यालय परिसर में संचालित जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसमें समरसेबल लगा है, हैंड पंप पर पानी पीते समय बच्चे को करंट लग गई जिसके कारण डेथ हो गई, शिक्षक ने बिजली के तार तोड़कर बच्चे को अलग किया, गुस्साए स्वजन व ग्रामीण ने लापरवाही का आरोप लगाया है और हंगामा किया है, इस दौरान शिक्षकों और आंगनबाड़ी में समरसेबल से लेकर के बोर्ड तक के तार हटाए गए हैं, पिता ने बच्चे के हाथ के फफोले
बोले को जो देखा करंट से ही जो डेथ होना बताया है, ये सब बातें देखने को मिल रही हैं। अब देखो इस तरह की घटना शायद पहले घटित हो चुकी, मैं बता चुका हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, तो ऐसे में हो सकता है ये पिछला वाला ही मैटर हो, हमारी बहन को ना पता हो, उन्होंने दोबारा भेज दिया हो, चूंकि यहाँ पर डेट वेट का कुछ पता नहीं है। तो ऐसे में फिलहाल समस्या ये नहीं है कि ये कब का है, समस्या ये है और जरूरी बात ये है कि इस तरह की घटनाएं ना घटित हों तो उस मामले में थोड़ा जागरूकता बरती जाए, ये मेरा कहने का तात्पर्य है। और आप सब बहनें भी थोड़ा ध्यान रखा करें, छोटे बच्चे हैं और बच्चों का काम ही है शरारत करना इधर उधर, लेकिन यहाँ पर अगर पानी पीने कोई बच्चा जाता है और नल में ये घटना घटती है तो वहाँ पर उनकी वो शरारत का वजह नहीं देखा जाएगा, वो फिर वहाँ पर एक लापरवाही के उद्देश्य से ही देखा जाएगा। तो ऐसे में इन चीज़ों को लेकर थोड़ा ध्यान दें, कल को कोई इस तरह की समस्या आपके सामने आए और आपको कोई दिक्कतें हों तो मैं ऐसा नहीं चाहूँगा, तो इसीलिए ये एक बस जागरूकता के लिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग ऐसे मामलों में थोड़ा गंभीरता बरतें। और वैसे भी जरूरी नहीं कि ऐसे ही मामले, बच्चे शरारती हैं वो सब कुछ करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, आपके वहाँ अगर बोर्ड है, लाइट लगी है सेंटर में, तब भी ध्यान रखें और बच्चों को वहाँ तक वो ना पहुँचें, इस तरह से बोर्ड भी लगे होने चाहिए, चाहे घर हो चाहे जहाँ हो, ठीक। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए। और अगर आपके वहाँ सेंटर के पास में कोई ताल तलैया है तो पोखरण है, तो यानी उन सब चीज़ों से भी थोड़ा सावधानी बरतें, बरसाती सीजन है वो भी भरे होंगे और कोई बच्चा खेलते खेलते उधर ना जाए, ये सब चीज़ें इनका बेसिक सा एक जो है फंडा है ध्यान रखने का। अगर रोड के किनारे हैं तो बाहर ना जाएं, इसलिए उसका ध्यान रखा जाए, इसलिए चार दीवारियां कराई जाती हैं। तो यही सब यानी बेसिक बातें। सविता जी प्रयागराज से, देखिएगा प्रयागराज से भी एक लेटर आया था, जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज ने समस्त प्रधानाचार्यों को अपने जो भी हैं पूरे प्रयागराज में उनको भेजा है 1 अगस्त को, और ये मामला जो है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस यानी NDD अभियान के बारे में ही है, जो अभी अभी मैंने एक लेटर दिखाया, सेम टू सेम चीज़ें हैं। और यहाँ पर भी वही 10 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति होगा, 14 अगस्त को मापअप दिवस होगा, जो यानी छूट जाएंगे उनको आच्छादित किया जाएगा, बस यही सारी चीज़ें इसमें भी लिखी गई हैं। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।